अरे हम इतने सारे लोग हैं, हम मिलके सब कोशिश करते हैं, लगाते हैं ताकत, निकल ही आएंगे डॉक्टर हाथी। एक सब ताकत लगाना भैया, जोर से, आराम से, अरे हाँ आराम से डॉक्टर हाथी। चलो आ भैया, रिक्शा मुझे मत ढकेला तुम। कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के कारण मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और छोटा पर्दा यानी कि टीवी पर रोज हम सबका एंटरटेनमेंट करने वाले नए शोज बनना बंद हो गए हैं। टिकटॉक जैसी एप्स भी भारत और चीन के विवाद के बाद गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दी गई। लेकिन 24 जून से ही महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस के साथ नए एपिसोड्स की शूटिंग करने की परमिशन दे दी। लेकिन कुछ डायरेक्टर्स ने एक्टर्स और बाकी टीम की कोरोना की सुरक्षा को देखते हुए अब तक शूटिंग स्टार्ट नहीं किया। तो आज मैं आपसे बात करूंगी एक ऐसे ही शो की जिसको टीवी देखने वाला हर दर्शक बहुत मिस कर रहा है और उसके नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस शो की बात हो रही है? बताइए बताइए। अच्छा चलिए मैं खुद ही बता देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा की। नमस्कार सत श्री अकाल, मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपका मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट पर। भारत का मशहूर कॉमेडी टेलीविजन शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को इतना पसंद है कि इस लॉकडाउन में जनता ने इसी के रिपीट टेलीकास्ट यूट्यूब और टेलीविजन पर खूब देखे। अभी भी YouTube पर इस शो का एक एपिसोड ट्रेंडिंग नंबर 30 पर है। बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी बनी हैं जो कि कई साल तक सिनेमा हॉल से उतरी ही नहीं, जिनमें शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मुगले आजम, बरसात जैसी फिल्में शामिल है। ठीक उसी तरह छोटा पर्दा यानी कुछ टेलीविजन के भी ऐसे शो हैं जो कई कई साल से चलते आ रहे हैं और लोग आज भी बड़े शौक से परिवार के साथ बैठकर इन शोज का आनंद लेते हैं, जिसमें CID, द कपिल शर्मा शो और तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रमुख है। जिस तरह लोग उत्सुकता से अपने फेवरेट टीवी सीरियल्स का वेट कर रहे हैं, ये खबर उन्हें काफी आनंदित कर देगी कि 13 जुलाई से कुछ नए एपिसोड्स टेलीकास्ट होना शुरू कर देंगे। वहीं दूसरी ओर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम ने मॉक शूटिंग का आरंभ कर दिया है और असल शूटिंग हर टीम मेंबर की रजामंदी से जल्द शुरू होगी। जेठालाल से लेकर बबीता जी तक, चंपक चाचा से लेकर पोपटलाल तक, एक एक कैरेक्टर लोगों को बहुत ही पसंद आया। ऐसा माना जा रहा है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कॉमेडी शोज की पायदान पर दूसरे नंबर पर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले नंबर पर कौन सा शो है, तो फ्रेंड्स पहले नंबर पर आज भी कपिल शर्मा शो ही रहेगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सारी टीम और किसी भी एंटरटेनिंग शो में काम करने वाले कलाकार बड़ी संजीदगी से अपने काम को अंजाम देते हैं और हमें अपने घर बैठे बैठे टीवी स्क्रीन पर एक अच्छा शो देखने को मिल जाता है और बदले में हम सब व्यूअर्स के तौर पर उन कलाकारों को बेहद प्यार देते हैं और सम्मान भी देते हैं। तो आप भी इनके मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए और आनंद उठाते रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे शोज का। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी, जुड़े रहिए मेरे यानी दिशा के साथ सिर्फ मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट पर।